हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोमचंद ब्लॉग्स में। और आज हम चलने वाले हैं हिमाचल कसोल, तो वहाँ चल के हम पूरी जर्नी डिस्कवर करने वाले हैं इस ब्लॉग्स में। तो चलते हैं फटाफट, चलते हैं वहाँ पे। और अभी हमारा बस का टाइम हो गया है, तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी हूँ दिल्ली और हम कसोल जा रहे हैं। आज से पहले मैं बहुत बार कसोल गया हूँ, लेकिन पहले मैं कैब से या पर्सनल कार से हम गए हैं। तो लेकिन इस बार मैं आपको जो चीपेस्ट यानी कि सबसे कम खर्चे में कैसे आप पूरा कसोल घूम सकते हैं, हिमाचल घूम सकते हैं, वो मैं आपको खुद एक्सपीरियंस करके बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं इस बार सबसे कम खर्चे में जाने वाला हूँ आपके लिए। हालांकि पहले बहुत बार घूम चुके हैं, लेकिन इस बार हम कम से कम खर्चे में चलने वाले हैं। उस बारे में आपको बता देता हूँ, मैं अभी दिल्ली आर के आश्रम में हूँ। यहाँ से आप बस बुक कर सकते हैं, मैंने बस बुक की है, जो मिनिमम 500 रुपये से शुरू होती है। ऊपर आप अपने हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन 500 रुपये मिनिमम है, आप बुक कर सकते हैं। बाकी और दो स्टॉपेज है जो आपके नियर बाई पड़े, वहाँ बुक कर सकते हैं आप। बस देख लीजिए, काफी सही सी बस है, एसी बस है। तो दोस्तों, ये है हमारी बस और काफी कम्फर्ट है, और बस पीछे करके आप ऐसा आराम कर सकते हैं। नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ से पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, आप सो सकते हैं इजिली। और मिनिमम 500 रुपये शुरू होती है बस, और फिर बेटा आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको चीपेस्ट बताएंगे। तो 500 में आप बुक कर सकते हैं दिल्ली से कसोल के लिए। तो चलिएगा, चलते हैं आगे। फिर हम डिनर के लिए रुके हैं यहाँ पे रात को, अभी 10:30 बजे हैं। तो यहाँ पे होटल है, यहाँ पे रुकता है, तो आप मिनिमम 250 से 300 में 2 से 3 लोग डिनर कर सकते हैं। आपको दाल मिल जाएगी, कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं, साथ में रोटियां ले सकते हैं। सैलेड आपका ऑप्शनल है, आप अगर ऐड करते हैं तो 50 रुपये उसके एक्स्ट्रा है। अदरवाइज आप बिना सैलेड के आप खाना खा सकते हैं। तो इजिली बजटेड है, तो 100 रुपये का एक बंदे का डिनर पड़ रहा है, तो बिल्कुल सही है। हीटिंग ठीक है और खाना भी एवरेज है, सुपर नहीं है या डाउन नहीं है, बाकी खाना अच्छा है, पानी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप खाना खा के बैठ सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप सो जाते हैं अभी, क्योंकि सुबह उठ के फिर आपको बाकी चीज़ें ट्रैवल कर जाएंगे। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 8, तो सबको गुड मॉर्निंग। और टोटल हम 12 घंटे में यहाँ पहुँच चुके हैं, कसोल आ गए हैं। और ये हमारी बस इधर पार्किंग में खड़ी हो गई है, होटल है, होटल के पीछे आप पूरा माहौल देख सकते हैं, बिल्कुल सही सा मौसम है और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल एंड में, वहाँ पे बर्फ आई हुई है, कोशिश करेंगे वहाँ चलेंगे। यहाँ पे होटल्स हैं और बाकी सारे टैक्सी वैक्सी आपको यहाँ से मिल जाती है अगर आपको आगे कहीं जाना है। लेकिन अभी हम फिलहाल चलते हैं अपने होटल की ओर, जो अपने को अपना होटल ढूंढना है अपन उस साइड चलते हैं। तो अभी हमारा दोस्त है पीछे है, तो उसके साइड में इधर चलते हैं, मैंने उनसे फ़ोन पर बात कर ली है, तो लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी हम पीछे होटल देख के आए थे, तो 900 रुपये में होटल मिल रहा था पूरे दिन के लिए, कल 12 बजे तक। वो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपने शायद बुक्स में देखी होगी, नील गाय हम पढ़ते थे, तो ये सही साइज का सही सा वैसी गाय 900 का। तो हमें 900 रुपये में रूम मिल रहा था पूरे दिन के लिए 3 लोगों को, तो यानी कि 300 रुपये पर पर्सन पड़ रहा है पूरे 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट डे आप 12 बजे चेकआउट करते हैं, कभी भी आप सुबह 8 बजे भी अगर हम चेक इन करते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं उससे भी सस्ता, वो भी आपके लिए। ये भाई सस्ते सस्ता एक स्टूडेंट और एक जो बाहर रहते हैं, जो लोग घूमने आते हैं, उनके लिए सस्ते सस्ते होटल क्या हो सकता है, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए हम वो कर रहे हैं, बाकी 900 रुपये मेरे को तो सही लगा था, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ उससे अगर सस्ता कोई पॉसिबल है तो वो आपके लिए मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आए तो आप उसको बुक कर सकते हैं। आ जाइए। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे होटल तो नहीं है लेकिन टेंट है, और काफ़ी लोगों का मन होता है कि पहाड़ों में जाके टेंट बना के रहें, तो अपना टेंट नहीं ला सकते। यहाँ पे बिल्कुल टेंट बने हुए हैं, और सामने आप यहाँ बैठ के सामने का व्यू ले सकते हैं पहाड़ का, और नीचे नदी है तो रिवर व्यू है पूरा यहाँ पे। और टेंट के अंदर डबल बेड है, और साथ में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, साथ में 2 से 3 लोग एक टेंट में इजिली रुक सकते हैं। तो पर पर्सन यहाँ एक बंदे का 500 रुपये बढ़ रहा है अभी, वो आपके बजट से ठीक है नहीं है, हम ढूंढेंगे अभी दूसरी चीज़ें भी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है कि आप सुबह सुबह यहाँ बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हो, सामने पूरा पहाड़ दिखेगा आपको, सामने नदी दिखेगी, और एक पैरेट होगी आपको मिले जाएंगे यहाँ पर। और इनके बाल काफ़ी बड़े से हैं, जिनसे ठंड से बच के रहते हैं। तो ये थोड़ा पहाड़ पर है ऊपर, बाकी हम नीचे चलते हैं और कुछ दूसरा ढूंढते हैं।
तो फाइनली गाइस मैंने आप सभी के लिए बजट में ये होटल ढूंढ दिया है और काफी सही सा है, वुडन है पूरा और अंदर रूम है। तो हम तीन लोगों के लिए हमने ये रूम लिया है जो कि बिल्कुल ही बजट में है, यानी कि हमने इनसे नेगोशिएट करके 800 रुपए में डन कर लिया है, तीन बंदे 800 रुपए में। वो पहले वाला 900 का था। और हाँ, अगर आप इससे भी कम बजट में ढूंढना चाहते हैं तो 500 रुपए में आपको शेयरिंग वॉशरूम के साथ में रूम मिल जाएंगे जिसमें आप तीन लोग रुक सकते हैं 500 रुपए में भी। और अगर अटैच लैट्रिन बाथरूम चाहिए तो आपको तो 600 रुपए में भी अवेलेबल है, वो थोड़ा नीचे है। ये छलाल एक जगह है कसोल से, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर, तो वो हम करके आए हैं बिल्कुल नदी के साथ साथ में, वो मैं आपको जाकर दिखा भी दूंगा। बाकी हमने ये डन कर लिया, यहाँ रुकने वाले हैं। और यहाँ रुकने का रीजन ये है कि यहाँ 800 रुपए में हमने इसलिए डन किया क्योंकि बजट आपको हम बताने चाह रहे थे कि चीपेस्ट हम इस बार कुछ करने वाले हैं, तो ये हमने इसलिए डन किया क्योंकि यहाँ पे वाइब अलग है। यहाँ पे नाइट क्लब है, डांस होने वाला है, फुल वाइब है, बोन फायर आपको मिल जाएगा रात को देखने के लिए, अंदर टेबल टेनिस है, गेम्स है और क्राउड रहता है शाम को, रात को बढ़िया लाइटिंग हो जाती है, तो वो वाले एक अलग ही वाइब। और कल यहाँ पे कुछ एक इवेंट भी है तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी गाइस फाइनली थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, काफी थक गया था, और फिर चलते हैं आगे। तो अभी यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ से आपको व्यू मिल जाएगा, सामने से नदी है, ऊपर पूरा पहाड़ है। बाकी हम आपको पूरा अभी 3 से 4 से 5 दिन का ये ट्रिप होने वाला, मैं आपको कवर कराने वाला पूरी एक चीजें। और एक बार प्यार से देख लीजिए भाई साहब, शायद टीवी में या फोटो में देखते होंगे हम। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डाटा बाय बाय। इस वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में करो कि आप क्या कुछ घूमना चाहते हो आसपास, ताकि मैं आपके लिए कवर करूं पूरी चीजें। और फटाफट लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया यार, भूल जाते हो, कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।